बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान जैब। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं शहीद सियालवी साहब, जो कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन हैं। तो शहीद साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जज़ाकअल्लाह। शहीद साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपकी जो पार्टी है, इसका थोड़ा सा नज़रिया बता दें। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का मैनिफेस्टो है खुद मुख्तार पाकिस्तान, जो अपने फैसले खुद करे, जिसकी हाँ और ना में अक़वामे आलम के फैसले इस काबिल इस मुल्क पर बनाया जाए। एक ऐसा पाकिस्तान जो किसी इंटरनेशनल चौधरी से इजाजत ना लेके यार मैं फलाने की दुकान से तेल खरीदूं या फलाने की दुकान से तेल खरीदूं, हमें ईरान सस्ता तेल दे रहा है तो हम उससे लेंगे, अमेरिका की इजाजत के बगैर हमें अफगानिस्तान से अच्छी तजारत हो रही है तो हम करेंगे, उनसे सीने से लगाएंगे, गले से लगाएंगे, बजाय इसके कि यार वो बाप जो बना के रखा हुआ है अमरीका को, वो नाराज होता या नहीं होता। अपनी खारजा पॉलिसी को खुद मुख्तार बनाना, अपनी खारजा पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करना और अपने दोस्त ममालिक को वाकई दोस्त समझना और उनको ऑन बोर्ड लेना, अपने दुश्मनों को कम करना, बजाय इसके कि एक को बाप बना के पूरी दुनिया को दुश्मन बना दिया जाए, जो कि दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है, उससे बेहतर है कि पूरी दुनिया के मजलूमों की आवाज बने। पाकिस्तान बना ही मजलूमीन के लिए था, पाकिस्तान बना ही बरे सगीर के मुसलमानों के लिए तो था ही। हमने दलित्स को भी राइट्स दिए, हमने शूदर्स को भी राइट दिए। जिन दलित्स और शूदर्स को इंडिया में, जो ब्राह्मण कोई सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन चंद ऐसे ब्राह्मण हिंदुस्तान के जो कि अपने मंदिरों में नहीं आने देते, अपने घरों में नहीं आने देते, जिन्हें अछूत समझा जाता है, हमने दलित शूदर कास्ट के एक खातून को रुकने असेंबली को हम लोगों ने स्पीकर कौमी असेंबली एजाजी तौर पर पाकिस्तान ने बनाया। हमारे पाकिस्तान में जितना, मतलब कहने का मकसद ये है कि हर जो बरे सगीर के मजलूम के लिए उन्हें ऑन बोर्ड लेके मुल्क बन रहा था, और अभी ये मुल्क बना नहीं था कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है जिसे बरे सगीर का मुसलमान तस्लीम नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि बाबाए कौम के जहन में डे फर्स्ट से हमेशा मजलूम की फिक्र और मजलूम का साथ देना था। तो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी आप समझें कि मजलूमों की जमात है, मजलूमों का साथ देने वालों की जमात है, और पूरी दुनिया के मजलूमों के, मुसलमानों के आवाज बुलंद करने वालों की जमात है। ये एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहती है जिसके फैसले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हो, जिसके फैसले वाशिंगटन डीसी में ना हो। एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहती है जमात के जिसकी जो मईशत है उसके फैसले हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री करे, उसके फैसले जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक ना करे। एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी फॉरेन पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डील करे, जिसकी फॉरेन पॉलिसी पेंटागन डील ना करे। तो ये हमारा मैनिफेस्टो है। IMF की बात की, थोड़ा सा मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे करूंगा। देखें, IMF के हमने पैसे देने, जब कोई बंदा कर्जा होता है उसके ऊपर, तो वो अपनी खुद मुख्तारी की बात नहीं कर सकता। तो हमारे जो हुक्मरानों ने पिछले 76 साल से जो कर्जे वो लिए हुए हैं, तो IMF के अभी तो वो कर्जे सारे चल रहे हैं, तो इस दौरान यहाँ पे इतना बड़ा कर्जा, फिर कर्जे को देने के लिए भी आप सूद पे अगेन कर्जे ले रहे हो, चाहे आप कतर से लें चाहे सऊदी अरब से लें। अभी ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपने अपना एयरपोर्ट वो भी गिरवी रख दिया 15 साल के लिए, तो इसमें ये हकीकत बात है एयरपोर्ट वाली। इसके लिए इकबाल ने कहा था कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तक दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर के बाद एक पॉलिसी बनाई कि 1/4 ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू स्टेट। आपके घर में 4 कमरे हैं तो एक रियासत का है, 4 साइकिलें हैं तो एक रियासत का है, 4 जोड़े कपड़े हैं तो एक रियासत के। और जर्मनी की औरतों ने सोना पहनना छोड़ दिया। वहां के मजदूर तबके ने कहा कि हम 8 की जगह 12 घंटे नौकरी करेंगे और 8 घंटे की उजरत लेंगे और 4 घंटे रियासत के लिए करेंगे। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी उससे मिलता जुलता मॉडल लाना चाहती है कि 1/10 ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ दोज पीपल जिनके असासे 10 करोड़ से जायद हैं, जिसका हर गरीब के लिए नहीं, 10 करोड़ से ज्यादा असासा जात जिस शख्स के हैं उसका 10% रियासत पाकिस्तान की मलकियत करार दिया जाए वंस फॉर ऑल। और उस करारदाद के मतन में 3 शख्सियात के नाम एट द टॉप ऑफ द लिस्ट हो, नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नंबर 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जब ये लोग अपने असासा जात का 10% रियासत पाकिस्तान की मलकियत करार देंगे तो हम इस वक्त जिस बहरिया में बैठे हुए हैं, इसके 8-9 फेज हैं और हर फेज में 1000 घर हैं और हर घर की मालियत जो है जमीन को मिला के 10 करोड़ से ज्यादा है। हमारे पड़ोस में DHA के 7-8 फेज हैं, वहां पर हर फेज में 1000 घर हैं और हर घर की मालियत 10 करोड़ से ज्यादा है गाड़ियों को मिला के। गौरी टाउन आपके इधर है, फलाना टाउन इधर है, ब्लू वर्ल्ड उधर है, कोई 40 सोसाइटियां पिंडी इस्लामाबाद में बनी हुई है और पाकिस्तान में 144 जिले और 440 तहसीलें हैं।
लोग अपने जेवर उतार के भी माए बहने बेटियां देने को तैयार होंगी, ये वही उन्हीं की औलाद है जिन्होंने तरीके पाकिस्तान में दिया था, लेकिन इन्हें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी तब होगी जब बनी गाला बिकेगा, जब जो है वो रायवंड के मोहल्लास बिकेंगे, जब बिलावल हाउस बिकेंगे, और ये कहेंगे कि रियासत सबसे पहले, हमने इस मुल्क पे अगर हुक्मरानी करनी है तो सबसे पहले हम अपनी कुर्बानी दें, तो कौम देने को तैयार होगी। नंबर टू मॉडल जो हमारे सामने है, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। पाकिस्तान एक बोल्ड फैसला कर ले, नहीं कर सकता तो हम तो करेंगे अपने दौर में आके इंशाल्लाह ताला, वो ये है कि ईरान आज भी आपको 50-60 रुपए पर लीटर या बहुत करके 100 रुपए पर लीटर भी आपको सेल देने को तैयार है। आप अपनी आवाम को 270 का दे रहे हैं, अगर आप 70-80 रुपए का भी ईरान से खरीदते हैं और आवाम को 250 रुपए पर लीटर देते हैं, तब भी आवाम को कम अज कम कोई 20-30-40 रुपए का रिलीफ मिल जाता है, लेकिन रियासत को पर लीटर जो है वो 150 रुपए का रिलीफ मिलता है। और पाकिस्तान में 4.5 करोड़ गाड़ियां हैं, हर गाड़ी में रोजाना 2-2.5 लीटर तेल मिलता है, यानी कि 10 करोड़ लीटर रोजाना पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। 10 करोड़ को 150 के मुनाफे से मल्टीप्लाई करें तो एक दिन में रियासत पाकिस्तान सिर्फ ऑयल से, गाड़ियों के वाली से 15 अरब बचा सकता है। 20 दिनों में इसे मल्टीप्लाई करें तो 300 अरब है, 300 अरब है $1 अरब। आप 20 दिन में दुबई के कर्जे अब 6 महीने में आधी दुनिया के पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं। कैसे? एक गैरत का एलिमेंट है, ईरान गैरती है ना, उसे तड़ी लगा दी अमेरिका को, अफगानिस्तान गैरती है ना, उसने 2 सुपर पावर्स को रोंद के रखा, और सुपर पावर नहीं थी दूसरी मरतबा, सुपर पावर्स का एक जमघटा था नेटो की फोर्सेस का, उसे उड़ा के रख दिया। और उसके अलावा आप देख लें, देखें लीबिया की आजादी को पढ़ें, हम लोगों ने चिग्वेरा को सिर्फ आइडियलाइज किया, वो नो डाउट एक कमाल का आदमी था, चिग्वेरा हो गया फिडेल कास्ट्रो, लेकिन आप उमर मुख्तार को पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि जब उसे फांसी दी जा रही थी, इटली की कॉलोनियलिज्म का दौर था, उसके अगेंस्ट जब उसने अलम में बगावत बुलंद किया, उसके घर की औरतों को बच्चों को उठा लिया गया था और उसको फांसी देने लगे गिरफ्तार करके, तो उस बुजुर्ग से उन्होंने कहा कि तुम्हारी लास्ट ख्वाहिश, उसने कहा जी मुझे पानी लिया, मैं वजू करके अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ नफल पढ़ के, तो उन्होंने कहा देख लो मैं इन सब लोगों को कत्ल कर दूंगा, तुम हथियार डाल दो। तो उस वक्त उमर मुख्तार ने जवाब दिया, वी डोंट सरेंडर, वी विन और वी डाई। और इस पर वुड यू बिलीव वेस्ट ने मूवी बनाई है द लाइन ऑफ डेजर्ट के नाम से, और इनको आइडियलाइज किया गया और उन्हें फिर फांसी दी गई, लेकिन उनके जर्नलों ने आज तक उमर मुख्तार को आइडियलाइज किया। उसकी शहादत के 10 साल के बाद लीबिया आजाद हुआ, लेकिन आज भी लीबिया के नोट पे उमर मुख्तार की तस्वीर। तो कहने का मकसद ये है कि जो नजरिया है उसे कभी मात नहीं दी जा सकती। आइडियोलॉजी, आप सुपर पावर को शिकस्त दे सकते हैं, आप एटॉमिक पावर को शिकस्त दे सकते हैं, आप कौमों को तकसीम कर सकते हैं, आप सूबों को तकसीम कर सकते हैं, लेकिन नजरिया एक ऐसी चीज है जिसे कभी भी शिकस्त नहीं दी जा सकती। और पाकिस्तान इज द नेम ऑफ एन आइडियोलॉजी, पाकिस्तान इज द ओनली होमलैंड आफ्टर मदीना पाक विच वाज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। अगर नहीं चल रहा तो इसमें मेरा आपका कसूर है, लेकिन इस वक्त जहां तक बात आपने सवाल में कहा कि कर्जे कैसे उतारेंगे, वो मॉडल मैंने आपके सामने रखा। और हम लोगों के लिए ये कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि हमारे बीवी बच्चे मुल्क से बाहर नहीं पढ़ रहे, हमारे माँ बाप की जायदाद असासे मुल्क से बाहर नहीं है कि जो हमें डर होगा कि मुंजमिंद हो जाएंगे। लिहाजा हम लोग जब खुद आजाद हैं तो हम अपनी खर्चा पॉलिसी भी आजाद कर सकते हैं और माशी पॉलिसी भी आजाद कर सकते हैं, उसे मुस्तहकम भी कर सकते हैं। ये तो आपने वैसे बड़ी रियलिस्टिक बात की है कि जिसका भी 10 करोड़ से ज्यादा असासे हों तो उसका 1/4 जो है वो, अच्छा 10% आप, अच्छा 1/10 है, मतलब बहुत नॉमिनल सी अमाउंट है। ठीक है, अच्छा अभी ये जो मुल्क के अंदर इस टाइम सिचुएशन चल रही है, अभी गंडापुर साहब दोबारा आने लगे हैं इस्लामाबाद में, कल या परसों से सिग्नल चले जाएंगे, रोड क्लोज हो जाएंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो मूवमेंट चला रहे हैं खान साहब को आज़ाद करने की, क्या ये सही मोड़ पर जा रही है? देखिए मैं आपको पहले तो ये बात बताना चाहता हूँ कि एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक होता है। PTI एहतजाज कर रही है तो मैं हमेशा कहूँगा उन्हें एहतजाज करना भी चाहिए, उनका जमहूरी हक भी है, लेकिन 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल एक बहुत बड़े किसी डफर का फैसला होगा कि जहां आपके मुल्क की इज्जत और सालमियत का मामला है, वहां पर आपने ये नहीं देखना कि मुल्क को नवाज शरीफ चला रहा है या जरदारी चला रहा है या फॉर्म 47 का कोई भी चोर चक्का आके इधर काबिज हुआ है। आपने ये देखना है कि अब मेरे मुल्क में फॉरेन डिग्निटरीज आ रहे हैं,
अब मेरे मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है, मेरे मुल्क का इमेज बेहतर हो सकता है, और अब आप आके कोई और कटा खोलना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ अपना कोई अमल करने जा रहे हैं। तो इसकी तो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी हमेशा से मुखालफत करेगी। मेरे लिए ये सबसे लाली परचम सबसे पहले, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान अगर आज जेल में है तो अपनी पॉलिटिकल कमेटी, अपनी पार्टी की करंट लीडरशिप की वजह से इन सब लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं खान के नाम पे, ये उसका नाम बेच रहे हैं, और इन लोगों को कोई नहीं जानता था जो आज सारे सरपंच बन के बैठे हुए हैं, और ये सारे इनमें से आधे जो है वो शाम को चाय पीने भाई लोगों के पास ही जाते हैं। इवन गंडापुर साहब भी लास्ट टाइम इनके अपने पार्टी के मुताबिक ये भाई लोगों के पास चाय पीने गए थे, सारे लोगों को इस्लामाबाद में उतार के तो खुद के पीके रवाना हो गए थे। मुझे ये बताएं इनके एहतजाज में जो 200 बंदा गिरफ्तार हुआ है उसके पीछे इनका कोई वकील गया उनकी जमानत कोई नहीं, तो वो गरीबों के बच्चे क्यों मरवाए जा रहे हैं? हमारा तो हर पॉलिटिकल पार्टी से इख्तलाफ ही ये होता है कि आप अगर नजरिए की जंग लड़ रहे हैं तो आप खुद सामने आए, आप अपनी कुर्बानियां दें, गरीबों के बच्चों को ना शहीद करवाएं, उनकी औरतों पे ना जुल्म करवाएं, कोई ऐसी हरकत ना करें। अगर आपकी वजह से वो गिरफ्तार हुए हैं तो उनके लिए स्टैंड लें, फिर उनके पीछे जाए, फिर आपके जियो एयरवाई के टॉक शोज मैटर नहीं करते। हमारे डस्का के एक उम्मीदवार ने वो एक फॉर्म 47 फॉर्म 45 का मामला बना तो उसने स्टैंड ले लिया, उसको उठा के ले गए एक हफ्ते के लिए। आप यकीन करें हमने अपनी पार्टी की सारी एक्टिविटीज एक हफ्ते के लिए तर्क कर दी, सारे जलसे कैंसिल कर दिए। जब तक वो वापस नहीं आया हम लोगों ने हाथ पांव मारते रहे, कभी अदालतों में जा रहे हैं, कभी थानों में जा रहे हैं, पूरी पार्टी को एंगेज किया और एक एग्जाम्पल सेट की कि आपका एक एक वर्कर आपके लिए कितना कीमती होता है। तो सर यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि पीटीआई का वर्कर जो है वो बेचारा बुरी तरह इस्तेमाल हो रहा है, और वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है वो उस गरीब को खुद भी नहीं पता चल रहा। इस वक्त हम लोगों ने, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हम लोगों ने 2021 में दूसरा बड़ा धरना दिया, बल्कि तीसरा बड़ा धरना दिया, तब मैं यूथ पार्लियामेंट का चेयरमैन होता था, आपारा चौक पे हमने धरना दिया। बिल्कुल वो था फ्रांस के मुस्तफाना खाको, बिल्कुल बिल्कुल पहला हमने कर दिया था हमने टाइम पे, आपने मैं आपको अर्ज कर थोड़ो पंगी थी उस वक्त हुआ क्या, हम लोग जब आपारा से मूव करने लगे टूवर्ड सरीना तो 12 रबी अव्वल का दिन था, इमरान खान वजीर आजम था और वो तकरीर कर रहा था सरीना में, उसमें उसने एम्बेसडर्स भी बुलाए हुए, बाकी भी लोग बुलाए हुए। हम सरीना के करीब पहुंचे, हमने रेड जोन में जाना था आगे एम्बेसी की तरफ, तो हम पे शेलिंग हुई, रबर बुलेट्स लगी, सारा कुछ, तो हम आपारा में आके बैठ गए, धरना दे दिया हमने, पहले मार्च था वो कन्वर्ट हो गया धरने में। रात को अब लोग हमारे जख्मी थे और बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस भी थी और गुस्सा भी था कि यार हम लोग एक नोबल कॉज के लिए आए और तुम लोगों ने क्या किया, वहां तुम लोग अंदर तकरीरें झाड़ रहे हो और यहाँ पर हम लोग एक्चुअल निकले हैं इस कॉज को लेकर, तो ये क्या हुआ? आई रिसीव्ड अ कॉल, अब दैट कॉल वाज फ्रॉम अ प्राइवेट नंबर, अब आई डोंट नो आपारे के अंदर से कॉल थी या किसी मिनिस्ट्री की कॉल थी, लेकिन उन्होंने एक हम्बल रिक्वेस्ट की कि यार जिम्बाब्वे की टीम आ रही है तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा मशावरत का टाइम है, मैंने टीम से मशावरत की, कुछ और भी तंजीमें हमारे साथ थी, यूथ विंग्स थे, तो उसमें दो चार शरपसंद अनासर थे, उन्होंने कहा जनाब इसी का प्रेशर डलेगा स्टेट पे, आप उन्हें क्या हम नहीं रास्ता खोल रहे, आप मुजाकरात करें। अच्छा। अब जिम्बाब्वे की टीम को आने में घंटा था, वो आप पिंडी स्टेडियम में खेल के सरीना की तरफ आ रहे। खैर इंसान का अपना दिमाग भी होता है और आपकी गुटी में अगर वतन की मोहब्बत हो तो वो फिर आप पता चलता है। मैंने पैगाम भिजवाया कि जनाब आप टीम को आने दें, हम ना सिर्फ रास्ता खोलेंगे उसके लिए बल्कि हम फूलों का अरेंजमेंट करें, फूल भी फेंकेंगे कि हमारे मेहमान है, मेरी रियासत के मेहमान है। अगर इतनी दहशतगर्दी के बावजूद श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों ने पाकिस्तान में आना मुनासिब समझा है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे एहसान है हम लोगों का, और हम कभी नहीं चाहेंगे ऐसी हरकत करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। आप यकीन करें हमारे उस छोटे से अमल से इतना पॉजिटिव जेस्चर गया कि बड़ी बड़ी सियासी मजहबी जमातें इस्लामाबाद में आके धरने देती हैं, एक दो हफ्ते उन्हें जलील करते हैं ये लोग, फिर लोकल डिप्टी कमिश्नर मुजाकरात के लिए जाते हैं और फिर हफ्ते के बाद जाके कोई वजीर आता है। सर हमारा पहला दिन था, रात को कोई एक दो बजे का टाइम था कि रिलीजियस मिनिस्टर नूरुल कादरी आके, और उन्होंने कहा जनाब मैं मुजाकरात के लिए हाजिर हूँ। हमने उस वक्त भी उनसे माजरत की, हमने कहा सर आप बहुत आपकी आला जरफिया पाए, लेकिन मामला क्योंकि सफीर का है, मामला क्योंकि फॉरेन अफेयर्स का है, तो हमारे मुजाकरात होने चाहिए फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो उन्होंने कहा मुल्तान गए हुए आप हमें थोड़ा सा वक्त दें, वो मुल्तान से आए, अली मोहम्मद खान, नूरुल हक कादरी, शाह महमूद कुरैशी, इन तीनों के साथ हम 24-25 साल के 7 लड़कों ने मुजाकरात किए,
और 24-25 साल के लड़कों की बात को मानते हुए इन्होंने OIC में भी और अक्वामे मुतहदा और OIC दोनों में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद पेश करवाई और मंजूर करवाई। वो आवाज आपारा चौक से उठ के पूरी दुनिया के ममालिक में पहुंची। ये कब पहुंचती है? आप जरा सा सॉफ्ट कॉर्नर दें, आप जरा सा पॉजिटिव जेस्चर दें। स्टेट जितनी भी बुरी हो ना, वो इंडिया की नहीं है, वो इसराइल अमेरिका की नहीं, वो आपकी अपनी है। वो आपके अपने ही घरों से आपके चाचा मामे के बच्चे वहां बैठे हुए हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कोई कटा खोलते हैं कि नहीं। अब आपने गुलामी के खिलाफ नारा लगाया PTI ने, आपने कहा अमरीकी गुलामी ना मंजूर। वो अमरीका ही दहशतगर्दी कर रहा है इसराइल के जरिए फलस्तीन में। जब फलस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है और आपको बुलाया जाता है, PTI कहती है हम नहीं जाएंगे। अब ये ब्लंडर मारा PTI ने ना जाके। बेशक शहबाज शरीफ ये जरदारी वहां बैठे हुए थे, भाई मेरी बात ये सुने, सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया जा सकता है। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए आप जिसे पंजाब के डाकू कहते थे, उस परवेज इलाही को आप वजीर आला बना सकते हैं। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए आप जिन MQM को चोर कहा करते थे, उनके साथ हाथ मिला सकते हैं। फलस्तीन के लिए आप नून और पीपल्स पार्टी के साथ एक पेज पे नहीं बैठ सकते। तो ये एक ब्लंडर मारा है उन्होंने, नंबर वन। और नंबर टू ब्लंडर ये जो 15 अक्टूबर का इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। इमरान खान बेचारा जिस कॉज के लिए जेल में बैठा हुआ है ना, इन करंट लीडरशिप ने उस कॉज के साथ मैं समझता हूं बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। और उस गरीब को ये चाहते हैं कि वो अंदर ही बेचारा जलता सड़ता रहे। तो आपको डिप्लोमेसी से काम लेना होता है। अभी बॉल जो है वो आपके कोर्ट में नहीं है, ये किसी और के कोर्ट में है। तो आपने फिर बड़े प्यार मोहब्बत से, हिकमत भी मैं समझता हूँ मोमिन की विरासत होती है। जिस तरह ये अब मौलाना फजल रहमान साहब को ये PTI वाले डीजल बोलते थे, और अभी उस उनके फिर घर में भी गए हैं, अभी उनको वो बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, तो ये चीज़ें तो साथ साइड बाय साइड चल रही है। मुझे बताएं कि खान साहब के जो एडवाइज़र हैं उनको इन चीज़ों की समझ नहीं है। घूमू है सारे, मेरी 30 साल उम्र है, अगर मुझ में इतना अकलमंदी है, इतनी अकल है, तो इनका तो सियासत में एक्सपीरियंस 30 साल से ज़्यादा है। लेकिन एक्सपीरियंस इनका बड़ा गलत है सर। हमारा एक्सपीरियंस भले ही 12 साल का है, लेकिन वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का है, वो थड़े की सियासत का है, वो गली मोहल्ले की सियासत से स्टार्ट हुआ, वो डेरा बुकटी के रेगिस्तानों में जून जुलाई की गर्मियां गुजारने से स्टार्ट हुआ, वो इस्लामाबाद में दिसंबर की सर्द रातें धरनों में गुजार के हुआ। इनका एक्सपीरियंस है, कभी भुट्टो के बूट पॉलिश किए, कभी जरदारी के बूट पॉलिश किए, कभी इस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश किए, कभी मियाँ साहब के बूट पॉलिश किए, आजकल खान साहब के बूट पॉलिश हो रहे हैं। सारे घुस बैठी हैं इनकी पार्टी में। और जो इनके अपने हैं, जिनको ये कहते हैं नजरियाती वर्कर हैं, जिनको इन्होंने इस बार KPK से लॉन्च किया, उनका इंटेलेक्ट आप देखें कि उनमें से 80% ऐसे होंगे, 20% बड़े अच्छे होंगे, 80% ऐसे होंगे जो अंधे गूंगे बहरे जाहिल, उनको इन्होंने वजारतों पे बैठाया हुआ है, जिनको पता ही नहीं है कि जनाब एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री का काम क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्या है। पिछले 6-7 महीनों से जब से इनकी गवर्नमेंट है, कोई एक छोटा सा रिफॉर्म आप मुझे बता दें KPK में जो इन्होंने लाया हो, कोई एक तब्दीली बता दें जो इन्होंने लाई हो। इन्होंने तो अपने PTM वालों को, मंजूर पश्तीन ग्रुप जो असल पूरे KPK की ताकत है, उसको नाराज कर दिया। उनके पास धरनों में भी जा रहे हैं, उन पे वो शेल भी बरसा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। एक वजीर उनके हक में बयान दे रहे हैं, एक उनको कंडेम कर रहे हैं, मतलब इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, ये इट्स जस्ट अ फैन क्लब। इसी तरीके से जैसे नवाज शरीफ की साहिबजादी ने पंजाब में यजीदियत का दौरा किया हुआ है, फस्तायत का दौरा किया हुआ है, सिंध में चोर डाकुओं ने अपना राज जमाया हुआ है, सिवाय बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर के सरफराज बुगटी के, मैं नहीं समझता, उसकी पार्टी से भी मुझे इख्तलाफ है, लेकिन वो बतौर शख्सियत देखा जाए तो जाम कमाल और सरफराज बुगटी मैंने वाहिद सियासतदान देखे हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में हकीकी मायनों में अपनी कुर्सी का हक अदा किया। वो दिन रात जदोजहद करते रहे और उस सूबे को, मैं समझता हूँ आज अगर बलूचिस्तान वाकई हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें ऐसे लोगों का बड़ा किरदार है, वो दिन रात की उन लोगों की मेहनत है। उसके अलावा मुझे किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा जो सिंसेरिटी से काम कर रहा हो, सालों ने दिहाड़ियां लगाई हुई हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कुछ दिन पहले की बात है, एक साबिक SHO थे कच्चे के एरिया में, जिनका 1 अरब से ज्यादा की करप्शन उन पर साबित हुई थी, अभी वो बड़े दाढ़ी भी उनकी और बड़े वो ज़ईफ़ से हो गए। तो ये जो जिस तरह डाकुओं का इशू है, हमारा कच्चे का
80 किलोमीटर का एरिया है, हालांकि हमारी देखें फोर्सेस कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है और ये छोटा सा एरिया बड़ा इजीली वो उसको ऑक्यूपाई कर सकती हैं, लेकिन इस चीज़ को उलझा के रखना, फिर इसमें कमीशन सेट होना, अब गरीब बंदा है वो पुलिस के पास जाता है उसको इंसाफ नहीं मिलता। हमारे माशरे में पुलिस के बारे में ये कहा जाता है कि अल्लाह पुलिस स्टेशन से बचाए, हालांकि कोई बंदा भी हो उसको इंसाफ चाहिए, सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन जाता है, और आप यकीन माने पुलिस बगैर पैसे के काम नहीं कर रही। तो इस चीज़ पर फोकस कोई भी नहीं कर रहा, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर कोई फोकस नहीं हो रहा। मैं आपको अर्ज करता हूँ इसका, फिर मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान का मर्सिया ये है कि आपके बलूचिस्तान में BLA है, आपके KPK में तालिबान है, और सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकू हैं और वफाक में पक्के के डाकू हैं, और डाकू राज है। और वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, जाग के रहियो सोने वालों चोरों की रखवाली है। आज पाकिस्तान के साथ यही कुछ हो रहा है, और आप आए लॉ एंड ऑर्डर के मामले को, करप्शन के मामले को, इसके सोल्यूशन की तरफ आए। तो मेरा ये मानना है ये मामला अगर SHO की हद तक ये है तो आप DSP की हद पे मुझे बताएं कहां तक पहुंचा होगा, SP SSP और DIG की हद तक कहां तक पहुंचा होगा। ये हमारे सारे सिस्टम का फ्लॉ है और ये सारे एक दूसरे को जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज एक पेज पे बैठ के फैसला करती हैं कि किसको रगड़ना है किसको नहीं रगड़ना। क्या उन्हें नहीं पता होता कि मेरे साथ वाले कुलीग का क्या किरदार है? दे नो एवरीवन, लेकिन वो स्टेट पॉलिसी नहीं है जी इनको नहीं छेड़ना, हम पुलिस को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इनसे काम लेना है। ये स्टेट पॉलिसी ही पाकिस्तान को तबाह कर रही है। हमें ना बताया करें कि जनाब स्टेट पॉलिसी ऐसी कुछ नहीं। भाई स्टेट पॉलिसी कोई कुरान का हर्फ नहीं है, इट कैन बी चेंज्ड। आप सब पॉलिसी लाएं और करप्ट आदमी को कभी मौका ना दें। इसका सोल्यूशन यह है कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी चाहती है कि यह करारदाद असेंबली में लाई जाए। हम ये धरना दे के लाएंगे, कोशिश करेंगे करारदाद आए। धरने में कामयाब ना हो तो हम असेंबली में जब भी पहुंचे हम ये करारदाद लाएंगे कि 17 एंड अबव ग्रेड का हर गजेटेड ऑफिसर मे बी फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, वो जुडिशरी में हो, वो फोर्सेस में हो, वो ब्यूरोक्रेसी में हो, वो स्कूल टीचर हो, 17 एंड अबव ग्रेड का हर गजेटेड ऑफिसर एंड MNA MPA सेनेटर जो इलेक्टेड नुमाइंदा है, ही शुड नॉट बी अलाउड टू लीव पाकिस्तान एटलीस्ट फॉर 2 years आफ्टर हिज रिटायरमेंट। पहले उसके एहसास से, फिर बीवी बच्चों के एहसास से, फिर फ्रंट मैन के एहसास से चेक किए जाएं कि यार 2 लाख तुम्हारी तनख्वाह है, ये 12-14 अरब के एहसास से और जजीरे और ये बड़े बड़े फ्लैट तुम्हारे पास कहां से हैं? पाकिस्तान से करप्शन खत्म हो जाएगी। जब ऊपर वालों को नकेल डालेंगे नीचे वाले खुद बंदे के पुत्र बन जाएंगे। मसला ये होता है कि यहां पर नकेल डाली जाती है बेचारे छोटे से किसी वो पटवारी पे, या नकेल डाली जाती है छोटे से बेचारे किसी वो जमादार पे, तो इसने जी 20,000 की करप्शन कर ली और जो मुल्क लूट के खा गए उनको कुछ नहीं कर रहे। मसला सारा ही होता बिल्कुल पटवारियों से। मुझे एक बात याद ही कि KP के अंदर इस टाइम पे इशू चल रहा है। आपको पता है पिछले 3 माह हो गए पटवारियों की स्ट्राइक चल रही है। एक पटवारी करप्शन में पकड़ा गया है, बाकी सारे पटवारी उसकी फेवर में आ गए क्योंकि सबको पता है आज उसकी बारी है कल मेरी बारी है। आपको बताऊं इसका हल एक ही है। हमारी तंजीम में 2 बार बगावत उठी थी। अच्छा। हमने ऑल्टरनेट पहले का बना के रखा हुआ था। एक बार यह हुआ कि तंजीम की सारी क्यादत छोड़ के चली गई। देवर ब्लैकमेलिंग अस कि भाई नहीं आप फला जमात का साथ दें फला का साथ दें। हमने कहा ठीक है आप क्या करना चाहते हम रिजाइन करेंगे। द मोमेंट दे रिजाइंड विद इन हाफ एन आवर मैंने पूरी तंजीम का नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। जब मैं एक आम आदमी ये काम इतनी फेमो फरासत रखता हूं तो रियासत कहां मरी हुई है? एक पटवारी कर रहा है उसके पीछे कितने पटवारियों ने एहतजाज किया? 200, 400, 600 लात मारे फेंके उन्हें। उन्हें क्यों उल्लू के पट्टो हरामजादों तुम लोगों की वजह से मेरे मुल्क का यह हाल है। यहां पूरा KPK क्योंकि नौकरी तो है कोई नहीं वहां पे, सारा KPK पटवारी बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। क्या वहां काबिल बंदे नहीं है कि आपके इस्लामाबाद की पिंडी की 45 यूनिवर्सिटीज में मिला के आधे तो KPK वाले यहां पढ़ रहे हैं, बेचारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। उसके बाद इतना टैलेंट है KPK का जाया हो रहा है, वो पटवारी भर्ती होने को तैयार हो जाएंगे। 250-300 पटवारी भर्ती करना कौन सा मिनटों का खेल है? लेकिन मसला ये है कि वो पटवारी भी जानते हैं कि जो हम करप्शन करते हैं उसका हिस्सा किस किस को मिलता है, वो आके बता देंगे। ये चोर है सारे, ये तीनों जमातों में नून PTI पीपल्स पार्टी में सारे चोर हैं। मसला सिर्फ ये है कि PTI का सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, वो बताने नहीं देते किसी को कि यार तुम्हारी क्यादत में भी चोर बैठे हैं। वरना पटवारी कभी एहतजाज करता
और ये उसे लात मार के ना निकालते, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये तो एक मिनट का काम है, ये एक मिनट का काम है। इसमें कौन सा रियासत ब्लैकमेल क्यों होती है इन मामलों पे? 3 माह से जिन लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ लोग बाहर से आए थे ट्रांसफ़र करने, चीज़ें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ी हुई है। अच्छा, सारी बातें तो होगी, मुझे ये बताएं, आप बात करते हैं गरीब आदमी की, इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है, बिजली के बिल्स आपके सामने, महंगाई आपके सामने, इस सारी सिचुएशन में एक गरीब बंदा 30-40 हज़ार जिसकी सैलरी है या 50 हज़ार है, वो अपना घर कैसे चलाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें, 30-40 हज़ार सैलरी वाला तो आपने बहुत बड़ी बात की है सर, ये गनीमत है जिसकी 30-40 हज़ार सैलरी है। आप ये देखें, जो लोग बेरोज़गार हैं, आप ये देखें जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो क्यों है? ग्रास रूट, कोई भी मामला उठाए ना, आप पहले देखें यार उसकी रूट कॉज क्या है। सर, रूट कॉज ये है कि आपके तालीम का बजट है 65 अरब रुपए, आपके हेल्थ का बजट है 27 अरब रुपए, और आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिराते बांटने का जो बजट है वो पता है कितना है? 600 अरब रुपए। अब आप समझ गए, दिस इज द रूट कॉज। आपके बंगाली आपसे आगे चले गए, 3 रुपए मिलाते हो तो 1 टका बनता है, 4 रुपए मिलाते हो तो जिन अगवानियों को आप कहते हैं जनाब ये हमारी मईशत पे बोझ बन गए, आपकी मईशत क्या है अगवानियों के सामने, 4 रुपए मिलाओगे तो 1 अगवानी रुपया बनेगा, तो वो क्यों है ऐसे? हम न्यूक्लियर स्टेट है भाई, उसके बावजूद हमारा ये हाल क्यों है? हम नंबर 1 है, फिर हमारा हाल ये क्यों है? हमारा हाल ये इसलिए है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 600 अरब रुपए जो हम लोगों ने सिर्फ पीपल्स पार्टी का वोट देने के लिए हर महीने के शुरू में हम लोगों ने लोगों को लाइनों में लगाया होता है, बूढ़ी माओ बहनों बेटियों को, और उसके बाद हम लोगों ने नवाज शरीफ की तस्वीर थोप के आटे के थैलों पे हम लोगों ने रमजान का राशन लोगों को देना होता है, ये फ्रॉड, दिस नीड्स टू एंड। बांग्लादेश क्यों हमसे अलग होने के बाद, जिन्हें हम कहते थे जनाब ये जो है वो बेकारी लोग हैं, जिन पे हम लोग तोहमतें लगाते थे, मैं आज माजरत खाऊं अपने बंगाली भाइयों से, यू पीपल वर मोर पाकिस्तानी देन वी वर, यू पीपल वर अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान एंड वी रिस्पेक्ट यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, और हम याहिया के, जनरल टिका के और जुल्फिकार अली भुट्टो के गुनाहों की माजरत मांगते हैं आप लोगों से, हम जो 25 करोड़ अवाम है वो आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके मुसलमान भाई हैं, एक खूनी रिश्ते से बड़ा रिश्ता है। सर, बंगाली क्यों हमसे आगे चले गए? बंगाली हमसे आगे गए हैं कि उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाई। चीनी क्यों हमारे साथ ही आजाद हुए? चाइना भी उसकी हिस्ट्री 75-76 साल है। चाइना में हर किस्म का नशा होता था, हर किस्म की बुराई होती थी, दे वर फ्रॉम हैंड टू माउथ, लेकिन क्यों आज आगे पहुंचे? कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाई। हम इस 600 अरब रुपए को इंशाल्लाह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करेंगे, फातिमा जना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाएंगे, और हम लोग 600 अरब रुपए की कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाएंगे और हर घर में रोजगार होगा। जब हर घर में रोजगार होगा, रियासत भूखी नंगी प्यासी नहीं होगी, आवाम भूखी नंगी प्यासी नहीं होगी, तो रियासत की मईशत बेहतर होगी। फिर 40 हज़ार कमाने वाले की भी बहुत जबरदस्त वो अपनी सैलरी को समझा करेगा, फिर वो महंगाई नहीं होगी। तो रूट कॉज को पकड़ना है आपने। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की हम लोग बात करें, जुडिशरी की हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग हैं, बंदे मर जाते हैं केसेस के, उनके फैसले नहीं होते, कुछ ऐसे फैसले भी आ चुके हैं कि बंदे मर चुके हैं उसके बाद बोला ये बेकसूर है इसको रिहा करें। तो जब तक ये जुडिशरी अपनी लाइन पे काम नहीं करेगी, फजूल चीज़ों पे इनका फोकस रहेगा, पैसे बनाने पे, इन चीज़ों पे। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, थोड़ी सी इररेलेवेंट है। मैं गया था ये पिंडी कचहरी में, मैं मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ वहाँ पे, इस तरह वो एक छोटा सा दोस्त का केस था। खैर, वो जो जज साहब के पीए थे उनसे बात की, उन्हें बोला 10 हज़ार रुपये मुझे दो, वकील ना करो, 10 हज़ार मुझे दो, मैं आपको करवा देता हूँ। 10 हज़ार तो बहुत बड़ा आप बता रहे हैं, 1000-1000 रुपये में ये फाइलिंग ऊपर नीचे कर लेते हैं। अब ये सारी मतलब आप ये देखें, एक आम आदमी जो बेचारा लाहौर से इधर पेशी पे आएगा, उसके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है, वो 20 हज़ार का पेट्रोल लगा के आएगा, यहाँ कोई करप्ट आदमी 1000 रुपये दे देगा पीए को, उसको नई तारीख मिल जाएगी गरीब को। इस सारे मामले का जो जड़ है वो हमारा पार्लियामान है, हम जजों को गालियां नहीं निकाल सकते, इसकी रूट कॉज सियासतदान है। आईनी तरमीम के लिए आप लोगों को उठा रहे हैं, उनकी बेगमात और माओ बेटियों को उठा रहे हैं, हर किस्म की फ्रॉड किस्म का दंगा फैलाने के लिए, घटिया किस्म की तरामीम लाने के लिए आप लोगों पे इतना प्रेशराइज कर रहे हैं। आप ये आईनी तरमीम क्यों नहीं ले आते कि यार कत्ल का मुकदमे का फैसला 3 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, जायदाद के मुकदमात का फैसला 1.5 महीने के अंदर होना चाहिए, आपके दादा परदादा का केस है वो आज आप भी लड़ रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये क्या इस पर आईनी तरमीम नहीं आ सकती? आप आईनी तरमीम लाए, जज की जिम्मेदारी बनेगी, वो करेगा, नहीं तो नौकरी से जाएगा। तो ये हर चीज का सलूशन है सर, लेकिन ये जो उल्लू के पट्टे पार्लियामान में बैठे हुए इनका इस पे कंसर्न ही नहीं है।
मसला सिर्फ ये है कि अगर हम लोग ये बात आके माइक पे कर देते हैं यार ऐसी तरमीम लाओ जिससे आवाम को रिलीफ हो, इनको जब नजर आएगा कि जनाब हमारी कुर्सी खतरे में पड़ रही है, ये किसी लोकल मुंशी को कॉल कर देंगे किसी भी 14-15 ग्रेड के, और यार ये बड़ा देशद्रोही हो गया, ये बड़ा आतंकवादी हो गया, इन्हू जनाब पाओ किसी केस से। और ये हुआ हमारे साथ, हर 2 महीने बाद हम जलसे करते हैं, तीसरे महीना कोई ना कोई पंगा हमारे खिलाफ खुला हुआ होता है, मुकदमा डाला हुआ होता है, और फिर हम लोग जलील होते हैं। तो शुक्र करें जुडिशरी हमारी, जितना पैथेटिक निजाम है लेकिन जुडिशरी में एक दो चीजें बहुत अच्छी हैं कि अगर आप हक में हैं तो वो कोशिश करते हैं कि आपको वो रिलीफ दे दें, अगर बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर ना हो। गुजरांवाले में हम तकरीर करके आए, हमने सिर्फ मोहतरमा फातिमा जिनाह की हिमायत में बात कर दी, अगले दिन हमें जनाब इधर से कॉल आ गई आपका मुकदमा है 3 साल पुराना। मैंने कहा यार ना वो मैं इलेक्शन लड़ाऊ ना पंजाब के कागजात में था, मैंने कंप्यूटर रिकॉर्ड निकाला थाने से, मैंने वफाक से निकाला कि इस्लामाबाद में कोई मुझ पर पर्चा, कोई पर्चा नहीं, सारों में बाइज़त करी, ये तुमने कहां से कट मारा? ओ जी सील्ड FIR थी। अच्छा आप ये देखे ना, ये ब्लैकमेल करने के 100 किस्म के तरीके होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ब्लैकमेल होने वालों में से है नहीं, क्योंकि हम लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो इक्तदार के लिए नहीं कर रहे, अपने नजरिए के लिए कर रहे हैं। इक्तदार हो सकता है आने वाली नस्लों में से किसी को मिल जाए, हम में से किसी भी, हमारी पॉलिटिक्स है नजरियात की, हमारी आइडियोलॉजी आपके माइक के जरिए आवाम तक पहुंच जाएगी, दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी। मैं पार्लियामेंट में आता हूं तब भी मैं दंगल मचाऊंगा, शोर मचाऊंगा इंशाल्लाह ताला जालिमों के खिलाफ, और मैं पार्लियामेंट में नहीं आता तो मैं सड़कों पर दंगल मचाऊंगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के लिए जो कायदे आजम का ख्वाब था उसको मैंने शर्मिंदा ताबीर करना है, मैं नहीं देख सकता कि जो ना मैं सुन सकता हूँ कि हमारी बहनों के साथ जो कुछ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हुआ था, उनके बुजुर्ग माँ बाप के सामने वो बरोज़े हशर हमारा गिरेबान पकड़े कि हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि तुम लोग यहाँ पर खून रेजी करो, तुम लोग यहाँ पर अपने भाइयों का कत्लेआम करो, तुम लोग यहाँ पर सिंधी बलोच के नाम पर लड़ो, सुन्नी शिया के नाम पर लड़ो, तो हमसे तो सवाल होगा। अच्छा, अब पूरे पाकिस्तान से लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों से, आपने आपकी पार्टी ने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है, आपकी पॉलिटिक्स ने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है, तो अभी ये जो यंग जनरेशन है इनको आप क्या कहना चाह रहे हैं? यंग जनरेशन को तो ये मैं कहूँगा कि पूरी पॉडकास्ट सुने और इसमें सारे सोल्यूशन हैं, और मैं उन्हें दावत देना चाहता हूँ कि 20 अक्टूबर को इंशाल्लाह कराची मज़ार क़ायद पर हम जलसा कर रहे हैं, 25 अक्टूबर को हम लोग घंटा घर चौक फैसलाबाद में जलसा कर रहे हैं, और 27 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला जोड़े पुल चौक बहार शाह रोड लाहौर पे हम जलसा कर रहे हैं। पूरी कौम वहां रुक करे, शाम 4 बजे तीनों जलसों का टाइम है, आप आए हमारा साथ दें। और आपको सबसे अच्छी बात नौजवानों को यह लगेगी कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी आपके एज फेलोज की जमात है, यहाँ के जितने नौजवान है वो आपकी उम्र के हैं, आप हम लोगों से खुली डुली बात कर सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, साथ बैठ के जनाब आपने सिगरेट का कश लगाया होगा और पूछ रहे होंगे कि हाँ जी चेयरमैन साहब 10 कम क्यों नहीं होया, ये सवाल आप इस अंदाज में नवाज शरीफ, इमरान खान या जरदारी से नहीं कर सकते। उससे पहले आपको उनके 6 चापलूसों को मिलना पड़ेगा और उनको रिश्वतें देनी पड़ेंगी, और फिर जब उन तक आएंगे तो उनकी गर्दन में इतना सलीका होता है कि वो आपको अपने साथ बिठाना मुनासिब नहीं समझते। तो ये काम हमारी पार्टी में बड़ा अच्छा है कि आप आराम से खुले डुले माहौल में आके जनाब अपनी चीज डिस्कस कर सकते हैं, अपने मसाइल बता सकते हैं, पाकिस्तान के मसाइल का सलूशन जो यहाँ के नौजवानों के पास है, यकीन करें ये 60 साल के बाबों के पास नहीं है, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जितने 21-22 ग्रेड के अफसर हैं, इनमें से इस वक्त जो मौजूद हैं इनमें से अक्सरियत ऐसी है जिनको ये एंड्रॉयड का फोन नहीं यूज करना आता, जिनको व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं पढ़ने आते, ये अपने बच्चों से पढ़वाते हैं, मुंशियों से पढ़वाते हैं, ये खास पाकिस्तान के मामलात को जानते होंगे, ये खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते होंगे, फिर इन्हें रिटायरमेंट के बाद फिर किसी महकमे में आप लोगों ने तुना हुआ होता है, ये सब का सब पाकिस्तान की तबाही का राज यही है। वो जी ब्यूरोक्रेट जिंदा एक लगता होता है, मरा वाला सवा लगता होता है, बकवास है सारी, ये कब तक हम ये ड्रामेबाजी देखते रहेंगे? आज तो ड्रामों में भी यही चीजें आ रही है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हमारे सिस्टम का बदनुमा दाग बन चुका है, आज के दौर के 21-22 ग्रेड के तमाम ऑफिसर्स 10-20% को छोड़ के, क्योंकि जब इन्होंने मुझ पर पर्चा करना है ना कि जनाब आपने हमें कह दी, तो मैं बोलूंगा 10-22% को छोड़ के वो आप ही थे। तो कहने का मकसद ये है, नौजवानों के पास बड़ा टैलेंट है, यूटिलाइज नहीं हो रहा, जाया हो रहा है, उनको कोई पूछ नहीं रहा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज बना हुआ है, उसमें आप बुलाएं यूनिवर्सिटी से नौजवानों को, आप बहरिया के नौजवानों को बुलाएं, आप एयर यूनिवर्सिटी के नौजवानों को बुलाएं, नस्ट के NDU के नौजवानों को बुलाएं, आप पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज के खास ट्राइबल एरिया से बलोचिस्तान से बुलाएं और उनसे पूछें। और मसला पता क्या होता है, ये बुलाते हैं नौजवानों को, लेकिन उधर भी अपने मनपसंद नौजवानों को जो इनके चापलूस तबका होता है उनको बुला लेंगे, जहां जहां से रिपोर्टें बनती हैं। मैंने बोले यार उन नौजवानों को बुलाएं जो रियासत से नाराज,
आप उन नौजवानों को बुलाएं जो आपको लगता है कि मुस्तकबिल में एक खुदकुशी ना बन जाए, ये मुस्तकबिल में कोई हथियार ही ना उठा ले, ये मुस्तकबिल में किसी और मुल्क का पर्चा ना उठा ले, उन्हें बुलाएं, उनके दुख दर्द सुने, वो क्या वजह है, जो क्या चीज है जो उन्हें अंदर से इंस्टिगेट कर रही है, उस रूट कॉज की तरफ जाए, फिर उसका सोल्यूशन निकालो। उनसे कहे बेटा ठीक है तुम नाराज हो, मुझे पता है तुम बलूचिस्तान से हो, केपी कैसे, तुम्हारे अंदर ये एक चीज है जो अंदर से तुम्हें खाई जा रही है, बताओ बेटा खुल के बताओ इसका सोल्यूशन क्या है। वो जो सोल्यूशन बताएगा ना, उन 10 बातों में से एक दो ऐसी होंगी जो आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। कोई बंदा एंटी पाकिस्तान नहीं है। जीएम सैयद जो बाद में सिंधु देश का जिसने नारा लगाया, वो पाकिस्तान के बानियों में से था, मुस्लिम लीग के, सिंध मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की हिमायत की थी। अल्ताफ हुसैन जिसे हमने दहशतगर्द कहा, देशद्रोही कहा, और वो एंटी पाकिस्तान नारे उसने लगा दिए, वो अल्ताफ हुसैन के माँ बाप, उसका पूरा टबर इंडिया से माइग्रेट करके अपनी जान माल इज्जत आबरू तन मन धन कुर्बान करके, जायदादें कुर्बान करके पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान से मोहब्बत में, जिन बंगालियों को हमने गद्दार का, एमएम आलम भी एक बंगाली था, एमएम आलम भी एक बंगाली था जिसके जहाज पे आज भी आप फख्र करते हैं कि एक मिनट में जनाब उसने 5 जहाज गिरा दिए थे। हुसैन शहीद सुरवर्दी भी एक बंगाली था, शेर बंगला भी एक बंगाली था, पाकिस्तान के बानी वो लोग हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मगरबी पाकिस्तान ने इलेक्शन हरवा दिया था, मशरकी पाकिस्तान से जीत गई। तो गद्दार कोई नहीं होता, गद्दार बनाए जाते हैं, आतंकवादी, देशद्रोही, दहशतगर्द कोई नहीं होता, हमारे रवैये बनाते हैं। एक बार अपने नाराज लोगों को सीनों से लगाना शुरू कर दो। मैं तो कहता हूं आपको मसला ईरान चाबहार में जो है, इंडिया उसे स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है मैं मानता हूं कर रहा है। आप कहते हैं कि जनाब BLA, BRA, BLF, BSO इनको किसी ना किसी तरीके से ईरान में इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, और यहाँ बॉर्डर क्रॉसिंग, क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान में जो कुछ TTP वाला मामला है, एक बार ईरानी और अफगानियों को सीने से लगा के तो देखो। अमरीका को सीने से लगाया हुआ ना, मसलियत के तहत ही लगाया हुआ है, अपने मुसलमानों के सीनों से लगा के देखो। TTP भी खत्म हुई भी होगी, वहां BLA भी खत्म हुई भी होगी, क्यों एंड का जवाब अपने लोगों को पत्थरों से दे रहे हैं? एक बार उन्हें माथे पे बोसा तो दें, वो तो तड़प रहे, तरस रहे कि यार पाकिस्तान एक बार हमें सीने से लगाए, हम बिछने को तैयार हैं यार उसके आगे, ये हमारा फख्र है। यकीन करें, सऊदीया में जो सऊदी पाकिस्तानी आम लोगों को इज्जत नहीं देते ना, लेकिन कभी कभार बैठ के दिल की बात कर जाते हैं कि यार हमें एक चीज का पता है कि हम पे मुश्किल वक्त आएगा तो तुम लोग ही हमें बचाओगे। ये पूरे गल्फ का ये नजरिया है। UAE वाले भी यही कहते हैं, कतर कुवैत वाले भी कहते हैं, हमें पता है कि तुम लोग ठीक लोग नहीं हो, अपने आप को बहुत ही आला चीज समझते हैं ना, वो ब्राह्मणों वाला उनका अंदाज है, लेकिन उन्हें पता है कि ओखा वक्त आएगा तो तुम लोग हो। तो पाकिस्तान इस ओखे वक्त को जो लोग समझते हैं कि हमारे साथ होगा, उसको यूटिलाइज करे कि हम आज भी तुम्हारे साथ हैं, आओ मिल के चलते, नहीं लड़ते आपस में, ना तुम अपने बच्चे शहीद कराओ ना हमें कराने का शौक है। क्यों ना बजाय इसके कि दुश्मन को हम मजबूत करें आपस में डिवाइडेड रूल की पॉलिसी पे, क्यों ना आज हम लोग एक देश पे आ जाएं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई है, जो आप वेस्ट कोट के ऊपर कायद आज़म की पिक्चर है, ऊपर पाकिस्तान की पिक्चर है, तो ये क्लियरली ये डिफ़ाइन कर रही है आपके नज़रिए को कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं, ना आपने अपनी पार्टी का कोई झंडा लगाया। पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान सबसे आगे। तो शहीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।